क्या दिल्ली में मौजूद अफगानिस्तान का दूतावास बंद होने वाला है? कथित रूप से दूतावास की ओर से इस तरह का एक मैसेज भारतीय विदेश मंत्रालय को भेजा गया है। मंत्रालय का कहना है कि इस सर्कुलर के कंटेंट और प्रमाणिकता की जांच करवा रहे हैं वो, और इसके बाद ही कुछ पुष्टि हो सकती है। पर सवाल ये उठता है कि इस तरह की अटकलें क्यों लग रही हैं कि अफगानिस्तान का दूतावास बंद होने वाला है? चलिए आज यही जान लेते हैं इस वीडियो में। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत में अफगानिस्तान के राजदूत पिछले कई महीनों से भारत से बाहर है। वहीं कुछ अफगानी राजनयिक धीरे धीरे किसी और देश में शरण लेने के लिए निकल गए हैं। इसके साथ ही इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि अफगानिस्तान दूतावास के स्टाफ में आपसी झगड़े हैं। मामले से जुड़े अधिकारियों ने तो ये भी बताया है कि अगस्त 2021 में जब से अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने कब्जा जमाया है, तब से भारत समेत विदेशी दूतावासों में काम कर रहे प्रतिनिधियों को तालिबान नेता सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह का फंड नहीं दिया जा रहा है। वेतन न मिलने से परेशान स्टाफ ने जैसे तैसे दिन काटे हैं, लेकिन अब उनका सब्र टूट चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की दूतावास में फरीद मामुंडजे बतौर राजदूत तैनात थे। पता चला कि वो लंबे समय से लंदन में हैं। फरीद को अफगानिस्तान की पिछली अशरफ गनी सरकार ने नियुक्त किया था, और अगस्त 2021 में तालिबान की ओर से अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज करने के बाद वो अफगान दूत के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में अफगानिस्तान की दूतावास यानी अफगान एम्बेसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल मई में तालिबान की ओर से फरीद मामुंडजे की जगह मिशन का नेतृत्व करने के लिए चार्ज डिफायर नियुक्त किए गए थे। इस प्रकरण के बाद दूतावास ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि उसके नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत सरकार के सूत्रों ने यह भी बताया है कि नई दिल्ली में अफगान दूतावास ने कथित तौर पर इस मुद्दे पर एक मैसेज भेजा है। इस मैसेज की प्रमाणिकता और कंटेंट की जांच की जा रही है। ये मैसेज पिछले कई महीनों से अफगान राजदूत के भारत से बाहर रहने, कथित तौर पर शरण मिलने के बाद राजनयिकों के लगातार तीसरे देशों में जाने और दूतावास के कर्मियों के बीच अंदरूनी कलह की खबरों के संदर्भ में है।